हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेक इन हाउ में। तो दोस्तों, आपके सामने है ये JBL GO प्लस, जो कि एक ब्लूटूथ स्पीकर है और इसकी प्राइस लगभग 1800 के करीब है। तो इसके बारे में मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई है, इसकी अनबॉक्सिंग, रिव्यू और इसको रिप्लेस क्यों किया था और रिप्लेसमेंट की प्रोसीजर, तो उसके बारे में मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई है। तो वहां पे आप आई बटन में जाके क्लिक करके चेक कर सकते हो। तो ये वीडियो बेसिकली होने वाली है कि ये अगर कभी कभी क्या होता है, ब्लूटूथ डिवाइसेस बहुत सारे डिवाइस से कनेक्ट होता है तो वो डिवाइस कंफ्यूज हो जाता है किससे कनेक्ट होना है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि कनेक्शन में प्रॉब्लम आती है, कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम आती है, तो आपका डिवाइस मिसबिहेव करता है। इसके लिए हम लोग ने कभी कभी क्या करना पड़ता है, इसको डिवाइस को रिसेट करना पड़ता है। उसके लिए एक रिसेट की एक प्रोविजन है जो इसके अंदर ही है। तो ये फीचर्स आपको शायद मैं मैनुअल में मैंने देखा नहीं है, बट मैंने सर्च किया तो मेरे को भी मिल गया, तो इजीली अवेलेबल है, आप कहीं भी जाके चेक कर सकते हो। और मैं यहाँ भी बताने वाला हूँ कि हाउ टू रिसेट योर JBL GO प्लस। तो पहले तो इसको इनिशियल आपको स्टार्ट करना है। जैसे ही स्टार्ट होगा तो ये ब्लिंक हो रहा है, मतलब एक्टिव हुआ है। अभी फिलहाल मेरा एक डिवाइस के साथ कनेक्टेड है, इसलिए फटक से कनेक्ट हो जा रहा है। और आपको अपना क्या, पहले तो मैं डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। तो जैसे आप बटन दबाओगे तो ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। जैसे ये डिस्कनेक्ट होगा, ब्लिंक होना स्टार्ट हो जाएगा, तो आपको ये ब्लूटूथ और वॉल्यूम ऑफ बटन साइमल्टेनियसली प्रेस करना है। तो कुछ सेकंडों के बाद आपको एक, देखिए ये वॉल्यूम एक हल्का सा आवाज आएगा और ये जो लाइट ब्लिंक हो रही थी वो बंद हो जाएगी। इसका मतलब है आपका जो ब्लूटूथ स्पीकर है वो कम्प्लीटली रिसेट हो चुका है। तो आप जैसे ऑन करोगे तो वापिस वो स्टार्ट हो जाएगा। और एक्चुअली अभी देखिए ये डायरेक्टली कनेक्ट नहीं हुआ क्योंकि पेयर्ड नहीं है, इसमें जो मेमोरी सेट थी वो डिलीट हो गई है, बट मेरे मोबाइल में थी। अगर मैं एक बार पेयर करूंगा तो वापस वो इनिशियली वापस पेयर हो जाऊंगा। तो मैं इनिशियली जैसे था कि मैंने जैसे ऑन किया तो डिसकनेक्ट हो गया था, बट अभी ये रिसेट करने की वजह से ये पेयर नहीं हुआ है। तो एकदम बेसिक फैक्ट्री रिसेट मोड में गया है, तो यहाँ पे आप ये मोड यूज कर सकते हो। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।